क्लास 7 चैप्टर 13 नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्वेश्चन 50 इज सिंप्लीफाई। ओके 13.2 का 50 क्वेश्चन है। गुड जी, अब यहां पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट 2 की पावर 5 की पावर, ठीक है, मीन्स पावर, पावर का पावर में पावर है, तो पावर में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन में क्या 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो अभी देखिए 50 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 5 है और उसकी पावर 2 है, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो 3.2 की फर्स्ट वीडियो बताई है, 3.2 जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1, ठीक है, उसमें ये सारा इंट्रोडक्शन बताया हुआ है मैंने कि ये सम्स सारे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो। गॉट इट, तो अभी देखिए अगर पावर पावर हो तो पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, मीन्स ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर कितने हुए 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 8, 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 कितने टाइम आ गया 3 टाइम, तो 8 की प्लेस पर 2 की पावर 3। अब ध्यान से देखना ये 3, ये वाला 3 नहीं है, ये जो 8 है, तो 8 की प्लेस पर 2 की पावर 3 राइट किया है अभी, तो गॉट इट, क्योंकि 2 3 टाइम है ये वाला। अब ये जो 3 है ये अभी थोड़ी ना राइट किया है, ठीक है, ये सिर्फ 8 की प्लेस पर 2 की पावर 3, और जो ये 3 है वो इसके बाद में राइट करेंगे, गॉट इट। अब 7 की पावर 1 अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 ही होती है ऑलवेज, तो ये देखिए अभी डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा पहले, तो इसमें ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। क्यों डिवाइड वाला क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 2 इज 2 के डिवाइड में 7 इज 7 के डिवाइड में, तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा, गॉट इट। तो ये देखिए 2 की पावर 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 9 हो जाएगा, तो माइनस में 9, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर दिया है, गॉट इट। पावर में पावर है, पावर डिफरेंट है, ठीक है, और बेस सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, तो 2 की पावर 10, 3 जा 9, तो 10 के माइनस में 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 7 की जो पावर है तो 7 की पावर में ही माइनस होगा, गॉट इट। तो अब ये देखिए 7 2 की पावर क्या है 10 माइनस 9, तो 10 में से 9 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 1, तो इस तरीके से राइट कर देंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 में 2 माइनस करेंगे, 7 3 में 2 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो भी देखिए 2 मल्टीप्लाई 7 2 टाइम है, तो 7 को 2 टाइम राइट किया, गॉट इट। 2 1 टाइम है तो 2 1 टाइम, 7 2 टाइम है तो 7 2 टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 2 से 14 मल्टीप्लाई 7 तो 14 7 से 98, ओके, तो आंसर कितना आ गया 98, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 एंड 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4, ठीक है। तो अभी देखिए जिसका एलसीएम राइट होगा तो उसको अपन एलसीएम राइट करते जाएंगे, 25 है तो अभी देखिए 25 का एलसीएम 5 से 25 5 वन जा 5, ठीक है, तो 5 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2, गॉट इट। मल्टीप्लाई अब यहाँ पे 5 है तो 5 कैल्सियम तो 5 आएगा, तो 5 की पावर 2 को एज इट इज राइट कर दिया, गॉट इट। अब टी की पावर 8, ठीक है, अब डाउन में देखते हैं 10 की पावर 3 है तो 10 का एलसीएम राइट कर सकते हैं 2 5 जा 10 5 वन जा 5, तो 10 की प्लेस पर 2 और 5 राइट करना है। अभी देखिए ये 10 है, ठीक है, तो 10 की प्लेस पर 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर 3 है, ये जो 3 पावर है तो वो पावर में ही तो आएगी, और 10 की प्लेस पे 2 माइनस 5 किया है, ठीक है, 3 एज इट इज मल्टीप्लाई टी की पावर 4, तो अब ये देखिए 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर टी की पावर 8, ओके, इसको एज इट इज राइट किया एंड अपॉन में, तो अब ये ध्यान से देखना 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो ये जो इन दोनों के बाहर 3 है, इन दोनों की पावर, तो मीन्स ये जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर वो इन दोनों की पावर में आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की पावर है, ठीक है, दोनों में लगी हुई है पावर, ना कि एक में, बात आई समझ में, ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा 2 की पावर भी 3 होगी
एंड 5 की पावर भी 3 होगी, मल्टीप्लाई टी की पावर 4, ठीक है। तो ये 3 है तो दोनों की पावर में आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहा है, ये देखिए एक मल्टीप्लाई वाला भी हो रहा है और डिवाइड वाला भी हो रहा है। ये देखिए 5 5 भी है और डाउन में भी 5 5 आ रहा है। बात आ गई समझ में? तो इसमें अब ये देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों फॉर्मूले यूज हो रहा है। पहले तो अपन यहाँ पे दोनों फॉर्मूले राइट कर देंगे, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एम, क्या होता है ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। मीन्स क्या, अगर मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होंगी, डिवाइड में पावर माइनस होती ऑलवेज, ठीक है। तो अभी देखिए 5, अगर 5 की पावर मल्टीप्लाई में, 5 की पावर जो है मल्टीप्लाई में, 5 और 5 की पावर मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी, प्लस 2 राइट कर दिया। इतनी बात समझ आई? इस 5 के, ये वाली 5 मल्टीप्लाई में इसकी पावर तो प्लस, मल्टीप्लाई वाले में पावर प्लस होगी, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए जो बोल रहे। और अभी सिर्फ 5 की पावर में चल रहे हैं अपन, 2 की पावर में, ना कि टी की पावर, 5 की पावर में चल रहे हैं। तो अब ये देखिए 5 अब यहां भी आ रहा है डाउन, डिवाइड में भी आ रहा है। इस 5 की डिवाइड में है, डिवाइड में तो डिवाइड में पावर माइनस होती, तो ये तो प्लस में आ गई क्योंकि मल्टीप्लाई में थी। ये इसके डिवाइड में, ये अपॉन का ही तो साइन होता है, डिवाइड का ही तो साइन है, तो ये डिवाइड में है तो माइनस 3 हो जाएगा। वोट इट, अभी देखिए टी, टी की पावर कितनी 8, तो इस टी के, ये वाली टी डिवाइड में है, डिवाइड में है तो माइनस 4 हो जाएगा। गोट इट। तो अभी देखिए 5, 2 और 2 कितनी हो गए 4, प्लस है दोनों इसलिए माइनस 3 मल्टीप्लाई टी, टी की पावर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 2 की पावर 3 और बची हुई थी, देखिए इसको अपन ने माइनस में लिख दिया माइनस 3, इसको भी ऊपर लिखे माइनस 4, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 और बची हुई है। वो ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये राइट करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 अभी और है। वो ठीक, तो अभी देखिए 5, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई टी की पावर 4, ठीक है। 2 को 3 टाइम राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 टू 4, 4 टू 8, तो कितना आ गया ये 8, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से राइट कर देंगे, 5t4 अपॉन में 8, ओके। इस तरीके से अपन राइट कर देंगे, ये तो हो गया 1, t की पावर 4 अपॉन में 8 हो गया, तो 5t की पावर 4 अपॉन में 8, ओके। तो इस तरीके से सम्स को सॉल्व करना है। ये देखिए, ये वन टाइम इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको अगेन समझोगे वन टाइम और वीडियो में से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। दिस इज आंसर, नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो अब ये देखिए लास्ट पॉइंट, अब ये देखना, फर्स्ट क्या है, 3 की पावर 5 एज इट इज राइट किया मल्टीप्लाई, बिकॉज 3 का एलसीएम राइट नहीं होगा क्योंकि 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है 10, तो 10 को अपन ब्रेक कर सकते हैं, 10 का एलसीएम फाइंड हो सकता है। ये देखिए 2 5 जो 10, 5 वन जो 5, ओके। तो 10 की प्लेस पर 2 मल्टीप्लाई 5। अब ध्यान से देखना 5 की, ये तो 5 पावर में और 10 की प्लेस पर राइट किया है ओनली 2 मल्टीप्लाई 5। अब 5 है तो सारे की पावर आई क्योंकि ये सारा 10 की प्लेस पर ही तो राइट किया है, तो सारे की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 का एलसीएम राइट करेंगे, 5 5 से 25 एंड 5 वन जो 5, तो 5 की पावर कितनी हो गई 2, ये 25 की प्लेस पर राइट किया। अब 25 की पावर तो कुछ है नहीं जो अपन ब्रेकेट करके लगाएंगे, गोट इट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एज इट इज 5 की पावर 2 राइट कर दिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6, तो 2 6 का एलसीएम हो सकता है, 6 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 3 से 6 3 वन जो 3, तो 6 की प्लेस पर 2 मल्टीप्लाई 3 राइट कर देंगे, गोट इट। और पावर अलग से है तो पावर अलग से लगा दी, गोट इट। तो अभी देखिए 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बाहर 5 है तो इन दोनों की पावर में भी 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5, गोट इट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 एज इट इज। अभी देखिए 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन है, ब्रेकेट लगा हुआ है तो 5 इन दोनों की पावर में आ जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें, इस पहले सम्स में ये देख लेना है कि
कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये देखिए, ये कट हो जाएगा 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट, और क्या कट हो रहा है 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट। ओके, अब 5 की पावर 7 है, यहाँ पे 5 इंटू डिफरेंट, तो अब ये कट नहीं होगा। पहले अपन एज इट इज ट्राइड कर लेते हैं, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 7। तो अभी देखिए मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, 5 और 5 2 टाइम है, तो उसको 1 टाइम राइट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 5 2 टाइम है, तो 1 टाइम 5 प्लस 2, और अपॉन में कितना है 5 की पावर 7, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 अपॉन में 5 की पावर 7। तो ये कट हो गए, तो अपना आंसर क्या बचा 1। दिस इज आंसर। थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड। क्वेश्चन 5th कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू।